गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। और ऐसा हम कहते हैं तो उसकी वजह भी हर बार सामने आती है। सरकार कहती है कि कश्मीर में जल्द अमन कायम होगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों बेहद संजीदगी से इस मसले का हल निकालने में भी जुटी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता इन दावों की कलई खोल रहे हैं। बेलगाम बयान वीर सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे कह दिया है कि महबूबा के आतंकियों से रिश्ते हैं और ये भी कि वे कभी सुधर नहीं सकती। पद की लालसा पूरी न होने से झल्लाए एक नेता का दूसरे नेता पर हमला तो समझ में आता है, लेकिन जब न्याय के सबसे बड़े मंदिर में बैठा शख्स इसी जुबान का इस्तेमाल करे तो हैरत होती है। सुर्खियों के सरताज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्केंडू कार्जू ने भी ऐसी ही बातें कह दी हैं। दो दिन पहले ही रोमन कैथोलिक संत की उपाधि से नवाजी गई भारत रत्न मदर टेरेसा को उन्होंने धोखेबाज महिला कह डाला। मिशन यूपी बात करें तो फतह करने की देवरिया पहुंचे राहुल गांधी ने किसानों को कर्ज माफ करने का वादा तो किया, लेकिन सुर्खियां बनी खाट सभा के बाद मची खाटों की लूट। सरहद पार पाकिस्तान कश्मीर पर भारतीय उच्चायुक्त के बयान से इस कदर चिढ़ा है कि उनका कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। लेकिन इस तनातनी के बीच भी पीएम मोदी की पाक यात्रा की संभावना पर कूटनीतिक हलके में खलबली मच गई है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक भारत के उच्चायुक्त ने इसके संकेत दिए हैं। पीएम मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद यात्रा को लेकर आशान्वित हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो पीएमओ ने इस यात्रा के बारे में कहा है कि सही वक्त आने पर ही सही फैसला लिया जाएगा। कराची में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यक्रम को तय वक्त से आधे घंटे पहले रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कार्यक्रम को कैंसिल करने की कोई वजह नहीं बताई। माना जा रहा है कि बम्बावले का बयान पाक को रास नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर के बदले व्यापार पर ध्यान देने की नसीहत पाक सीओसी को दी थी। पाकिस्तानी सेना ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास चौकियों पर मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी भी की। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। कश्मीर मसले पर कल दिल्ली में उन सभी नेताओं की बैठक होगी जो सोमवार को कश्मीर का हालात का जायजा लेकर लौटे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री ने आज प्रधानमंत्री से मिलकर ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरे का ब्यौरा दिया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें गृह सचिव राजीव महर्षि, आईबी प्रमुख के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राम माधव ने शिरकत की। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर केंद्र सख्ती दिखा सकता है। सूत्रों की माने तो कश्मीर मसले पर बातचीत में शामिल नहीं होने से केंद्र नाराज हैं। अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली हवाई यात्रा, होटल में ठहरने और वाहन की सुविधाओं पर अब रोक लग सकती है। और अब बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। यूपी के देवरिया से आज किसान यात्रा का आगाज तो किया, अब राहुल अगले 25 दिनों तक यूपी में ही रहेंगे। लेकिन खाट सभा के जरिए कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन पाने की जिस तरह की कोशिश कर रही है, उसके बीच केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार करने की कोशिश भी है। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष की इस यात्रा पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा से राहुल कांग्रेस को यूपी में जिंदा नहीं कर सकते। अब बीजेपी ने भी यूपी में सियासी यात्रा निकालने का फैसला आखिरकार कर ही लिया है। 100 दिनों तक चलने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 25 सितंबर से शुरू होगी। इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी प्रभारी ओम माथुर हरी झंडी दिखाएंगे। काशी, गोरखपुर, सहारनपुर के रास्ते परिवर्तन यात्रा लखनऊ पहुंचेगी, जहां उसका समापन होगा। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां नाराज पाटीदारों को मनाने के लिए बीजेपी ने अनोखी तरकीब निकाली है। पाटीदारों के गुस्से को शांत करने के लिए पार्टी ने समाज के लोगों के सम्मान करने का फैसला किया है। 8 सितंबर को सूरत में सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के लोग सड़कों पर उतरे। मंड्या जिले में प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा जमकर उत्पात मचाया। नाराज किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आगजनी कर अपने आक्रोश को जाहिर किया। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हुई जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के पटना, गया, रोहतास, वैशाली,
और झारखंड के जमशेदपुर के साथ साथ कोलकाता में भी बारिश के पानी ने स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। गया और कोलकाता के अस्पतालों में भी बारिश का पानी घुस गया। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। आज हैदराबाद के एक ऐसी ही तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर की तत्परता और सूझबूझ से कैसे दो लोगों की जान बच गई। आज दोपहर 3:30 पर यानी 3:30 बजे ये घटना सामने आई। ट्रक के सामने आने के बाद भी दोनों बाइक सवार की जान बच गई। और 17 महीने बाद शेयर मार्केट में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। शुरुआती तेजी की वजह से सेंसेक्स 446 अंक बढ़कर 28,978 पर बंद हुआ। पिछले साल 15 अप्रैल 2015 में सेंसेक्स ने 29,000 तक की उड़ान लगाई थी। वहीं निफ्टी ने आज 133 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 8,943 अंकों पर बंद हुआ। और देश की तमाम बड़ी खबरों के बीच रुक करते हैं सियासत का। उत्तर प्रदेश के देवरिया में खाट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी चस्पा कर दिया। सवाल है कि आखिर राहुल अखिलेश सरकार की खटिया खड़ी करेंगे या फिर मोदी सरकार की। पार्लियामेंट में मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला। पीके की प्लानिंग से उपजी ये राहुल स्टाइल राजनीति है। 27 साल से यूपी में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस को सत्ता में लाने की खातिर राहुल ने अब खेत खलिहान और खाट का सहारा ले लिया है। लुटियंस की दिल्ली में लोगों से दूर रहने वाले राहुल अब जड़ों से जुड़ने की कोशिश में है। पब्लिक इस पॉलिटिकल पैतरेबाजी को पसंद करे या ना करे, लेकिन मिशन यूपी पर निकले राहुल ने अखिलेश की जगह है मोदी सरकार पर वार कर ये साफ कर दिया कि यूपी तो बहाना है, लाल किला ही निशाना है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। पूंजीपतियों पर मेहरबानी और लूट की खुली छूट देने का आरोप जड़ने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि माल्या को उन्हीं की सरकार ने मालामाल किया था और अब ये हमारी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा हो चुकी है। लूट का मौका कोई नहीं कमाता, चाहे गरीब हो या अमीर। खुद राहुल की सभा में पहुँचे लोगों ने ही इसकी तस्दीक कर दी। इधर राहुल की सभा खत्म हुई और उधर लोगों ने राहुल की घटिया खड़ी कर दी, जिससे जितना बन पाया लेकर चलता बना। लूट की आपाधापी में कईयों ने खाटों का कचूमर निकाल दिया, जुगाड़ तकनीक से फिक्स को फोल्डिंग में तब्दील कर दिया। बहरहाल खाट सभा के बाद राहुल ने देवरिया में रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया तो वहीं प्रदेशवासियों को अपनी पार्टी के होने का एहसास भी करा दिया। शाम होने से पहले राहुल कुशीनगर में प्रवेश कर गए। यहाँ भी उन्होंने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद खाट सभा में किसानों का दुख दर्द साझा किया। किसानों के साथ खाट पर चर्चा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने देवरिया के रुद्रपुर के दूधनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्रपुर विधायक अखिलेश सिंह की मौजूदगी में पुजारियों ने यहां राहुल को कांग्रेसी झंडे जैसा दुशाला उड़ाया। साफ है कि अगर बीजेपी के पास अयोध्या और कैराना जैसे हार्ड कार्ड हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व का हथियार कांग्रेस ने भी अपने म्यान में संजो रखे हैं। रुद्रपुर से राहुल की पदयात्रा का प्रतीकात्मक पैगाम भी है, यानी अगर ब्राह्मण और दलित मिलकर वोट डालें तो कांग्रेस को यूपी के बड़े हिस्से में कामयाबी मिल सकती है। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में भी राहुल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस की झोली में वो महज 28 सीटें ही दिलवा पाए थे। उस दौरान भी राहुल की नजर लाल किले पर थी, जो इस बार और पैनी हो चुकी है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पंडित इसे 2019 के आम चुनाव का लिटमस टेस्ट मान रहे हैं। पद यात्रा राहुल को विरासत में मिली है। 1977 में जब कांग्रेस मुश्किल में थी तो दादी इंदिरा गांधी ने पद यात्रा की। 1989 में कांग्रेस संकट में थी तो पिता राजीव ने भी यही किया था। पद यात्रा के परिणामों से सबक लेकर ही राहुल ने 2011 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन किया था।
2015 के जनवरी में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में किसानों के हक में 10 किलोमीटर की पदयात्रा की, तो मई में तेलंगाना के आदिलाबाद में भी 25 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की। लेकिन क्या वो जनता के बीच अपनी पैठ बना पाए? चुनाव परिणामों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि हर राजनेता की तरह राहुल को भी अपना पॉलिटिकल प्लान बनाने का हक है, लेकिन कामयाबी तो तभी मिलेगी जब वो आम लोगों के दुख दर्द से उपजा हो। किसी पीके या पीआर एजेंसी के बूते जनता का दिल जीतने की स्टीरियोटाइप सोच स्थायी कामयाबी का नुस्खा नहीं बन सकता। देश की बात के लिए ईजीवी नेटवर्क। अब बात करते हैं कावेरी जल विवाद की, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक सुलग उठा है। पूरा प्रदेश विरोध प्रदर्शनों से पट गया, तो आगजनी और तोड़फोड़ ने हुकूमत की चूल्हे हिला दी। सवाल है कि पानी के लिए मारामारी आखिर कब तक होगी? हासुर से मंडिया तक हर तरफ गुस्से और आक्रोश की अभिव्यक्ति। हाईवे पर धरना है तो गलियों में हुंकार। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी ने शहरों की रफ्तार रोक दी है। पूरा कर्नाटक मानो ठहर गया है। कर्नाटक के इस गुस्से का सबब है कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तमिलनाडु के किसानों की हालत सुधारने के लिए कावेरी नदी से अगले 10 दिनों तक रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े। कोर्ट का ये निर्देश आते ही कर्नाटक मानो उबल पड़ा। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। मदुर में किसानों ने मैसूर बंगलुरु हाईवे ठप कर दिया। असर चेन्नई बस स्टैंड पर भी दिखा, जहां कर्नाटक जाने वाली तमाम बसें खड़ी नजर आई। किसानों ने मंडिया के श्रीरंगपट्टनम तालुक में प्रदर्शन किया और सारी सड़कों को जाम कर दिया। बीते 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से भावनात्मक अपील करते हुए कहा था कि जियो और जीने दो, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वो तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। दरअसल तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि वो कर्नाटक को कावेरी नदी का 50.52 टीएमसी फुट पानी छोड़ने का निर्देश दे, ताकि 40,000 एकड़ में फैली सांबा की फसल को बचाया जा सके। लेकिन कर्नाटक ने दलील दी कि उसके 4 जलाशयों में करीब 80 टीएमसी फुट पानी की कमी है, लेकिन तमिलनाडु ने सीएम के उस बयान का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक को सीधा निर्देश जारी कर दिया। इस मसले पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, लेकिन आइए जानते हैं क्यों मची है पानी के लिए मारामारी और क्या है कावेरी विवाद। दक्षिण भारत की गंगा कहलाने वाली कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है और इसके डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों इसके पानी पर अपना हक जताते हैं। इसी विवाद को कावेरी विवाद कहा जाता है। कावेरी जल विवाद अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। 1924 में इन दोनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन बाद में विवाद में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हो गए, जिससे ये और जटिल हो गया। 1972 में गठित एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1976 में कावेरी जल विवाद की सभी 4 दावेदारों के बीच एग्रीमेंट हुआ, लेकिन संसद में घोषणा होने के बावजूद विवाद जारी रहा। 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार से एक ट्रिब्यूनल की मांग की। 1990 में ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, जिसने फैसला किया कि कर्नाटक की ओर से कावेरी जल का तय हिस्सा तमिलनाडु को मिलेगा। कर्नाटक मानता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान वो रियासत था, जबकि तमिलनाडु ब्रिटिश का गुलाम, इसलिए 1924 का समझौता न्याय संगत नहीं है। कर्नाटक का कहना है कि तमिलनाडु की तुलना में वहाँ खेती देर से शुरू हुई और नदी के बहाव के रास्ते में वो तमिलनाडु से पहले है, लिहाजा उसका पानी पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इधर तमिलनाडु पुराने समझौतों को सही ठहराते हुए कहता है कि 1924 के एग्रीमेंट के मुताबिक पानी का जो हिस्सा उसे मिलता था वो भी मिलते रहना चाहिए। हालिया गर्मी के दौरान तेल के डिब्बों में महाराष्ट्र को पानी पहुंचाती रेलगाड़ी ने पूरे देश को दिखा दिया कि जल संकट किस कदर विकराल होता जा रहा है। सिंगापुर में तो विदेश से पानी का आयात करना पड़ा था। अगर इसे जल्द समझा न गया तो जल के लिए तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सख्त साबित हो सकती है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क।
और पानी का मुद्दा सिर्फ कावेरी तक सीमित नहीं है। देश के लगभग हर राज्य आपस में एक दूसरे से इसको लेकर अदालतों की चौखट पर हैं। आखिर क्यों इन बुनियादी मुद्दों पर भी राज्य आपस में लड़ते हैं, ये सवाल बार बार उठता है लेकिन समाधान नहीं निकलता है। बहरहाल यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए, और उसके बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे देश की सियासत की, जहां आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस हर तरफ खाट मानो उठ रही है। आप कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, आओ विचार करें आज मिलकर। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आरोपों की आंच में आम आदमी पार्टी के आदर्श झुलस रहे हैं। अन्ना हजारे से अपनी राय जुदा करते वक्त केजरीवाल ने प्रण किया था कि चुनाव लड़ेंगे भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, राजनीति में एक नई मिसाल कायम करने के लिए, लेकिन ये सपना आज ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है। अन्ना कह रहे हैं केजरीवाल से उम्मीद खत्म हो चुकी है। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज सीडी कांड, व्यभिचार और टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोपों के चक्रव्यूह में घिर गई है। यही वजह है कि केजरीवाल को रोम से ऐलान करना पड़ा कि पंजाब की कमान वे अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पंजाब की कमान का नहीं है, देश की राजनीति में जिस आमूलचूल बदलाव की बात केजरीवाल करते थे, वो आदर्श, वो सिद्धांत, वो उम्मीदें, क्या सब चकनाचूर हो गई है? आरोपों के इस दलदल से केजरीवाल अब पार्टी को कैसे बाहर निकाल पाएंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता हारून यूसुफ, बीजेपी की तरफ से आशीष सूद, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र यादव साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, आखिर अन्ना हजारे की उम्मीदें इतनी धूमिल क्यों हुई है? आप दोबारा बोलेंगे, मुझे बहुत स्टूडियो की आवाजें आ रही हैं, मैं आपकी बात साफ सुन नहीं पा रहा हूं। योगेंद्र यादव साहब, स्वागत है आपका ईटीवी नेटवर्क पर। आज अन्ना हजारे को इतनी निराशा क्यों हुई है अरविंद केजरीवाल से? अन्ना ने खुद स्पष्ट किया, अन्ना कई बार आम आदमी पार्टी की आलोचना कर चुके हैं, कई बार बहुत कड़वाहट से भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें एक निर्णायक पुट था। जब वो कहते हैं सपना टूट गया, तो वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप रोज़ रोज़ बात करते हैं। और मैं समझता हूँ इसे केवल आप दो व्यक्तियों की बात ना समझें, मीडिया में हम अक्सर हर चीज़ को व्यक्तियों और चेहरों से जोड़ देते हैं। अन्ना हजारे की निराशा है, वो एक बुज़ुर्ग की निराशा नहीं है, वो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की निराशा है जिन्होंने सपना पाला था कि ईमानदारी और सच्चाई को जोड़ा जा सकता है। और जिस चीज़ से उन्हें निराशा हुई है वो केवल अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो पूरी मशीन जी, है जी, जिसने उस सपने को पालना था, जिसने उस सपने को साकार करना था, आज वो मशीन बन गई है, मशीन आगे चल रही है, वो सपना कहीं टूट गया है। मैं समझता हूँ इस तरह से हमें आज उसे समझना आंदोलन, चाहिए। वो और आंदोलन, अगर आप इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो पहलू ये है, मैं मैदान में खड़ा किया गया था, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं धक्का लगा है, और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति या सिर्फ एक दल नहीं, बल्कि बहुत बड़े सपनों की मौत है अगर इस तरह की बात होती है अन्ना के द्वारा की जाती है। लेकिन बात सिर्फ अन्ना ने नहीं की है, बात अरविंद केजरीवाल ने भी की है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि बहुत कुछ पार्टी में सही नहीं है, इसलिए अब खुद कमान संभालेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पंजाब की कमान पहले दिन से वो संभालना चाहते थे आशीष सूद साहब, क्या उसी का नतीजा है कि इस तरह से पंजाब में एक के बाद एक चीजें हुई और आखिरकार अरविंद केजरीवाल के दिल की बात आ ही गई? जी नहीं, देखिए पंजाब की कमान तो शुरू दिन से उस पार्टी में, तो योगेंद्र यादव जी ने भी बहुत नज़दीकी से देखा, उसमें तो हर चीज़ की कमान अरविंद केजरीवाल के पास ही है, सरकार की भी कमान बिना पोर्टफोलियो के अरविंद केजरीवाल के पास ही है। हम बात जहां से शुरू हुई थी, ये केवल अन्ना हजारे के संदर्भ में नहीं है, पहले देश की जनता ने
इमरजेंसी के समय पर एक प्रयोग करके देखा था। वो प्रयोग बहुत दिन तक चल नहीं पाया, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के झगड़े में वो प्रयोग बिखर गया। उसके बाद जब देश की संसद में विभिन्न घोटालों पर चर्चा होती थी तो अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान से एक आंदोलन को जन्म दिया, जिसकी कोख से वर्तमान सरकार के बहुत सारे लोग निकले। और उन्होंने जिस राजनीतिक शुचिता की बात की थी, उन्होंने जिसमें राजनीति में सब दलों को गलत बताया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर सब दलों को गलत, सब दलों को भ्रष्ट, सब दलों में बिना आंतरिक लोकतंत्र के काम करने वाले लोग बताए, वो दल ने जब अपने ऊपर काम करने की बात आई तो केवल 15 महीने में ऐसे 15 एपिसोड निकल गए। 15 दिन के अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र का स्वाद उनके अनेकों साथियों ने चख लिया था दिल्ली में ही। इसलिए जो अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं पंजाब मैं संभालूंगा, वो एक टूटती हुई चीज को, एक बिखरती हुई पार्टी को, एक बिना विचारधारा के दोबारा लोगों को सत्ता के लिए जोड़ने का एक प्रयास है। जी जी, लेकिन साफ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, कम से कम माना है कि डैमेज कंट्रोल अब खुद अपने हाथों से करेंगे और जो नाराज हैं लेकिन जो ईमानदार हैं, जो काबिल हैं, उन्हें वापस लाने के प्रयास भी पूरी ईमानदारी से करेंगे। अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की सोच और अप्रोच के साथ आते हैं तो मनोज मिश्र साहब, कितनी सफलता की उन्हें उम्मीद? और बात यहां पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक नहीं है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी है। आज उनकी यात्रा के बाद जो कुछ हुआ खाटों को लेकर, वो भी वाकई बड़ा चिंताजनक, परेशानी वाला और हास्यास्पद है। योगेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी क्योंकि मनोज मिश्र साहब से तकनीकी परेशानी की वजह से बात नहीं हो पा रही है। योगेंद्र यादव, उससे पहले हारून यूसुफ मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, हारून यूसुफ आपसे समझना चाहती हूं, आज ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष हटे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें आई, पूरे देश में किरकिरी हुई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की? देखिए, जो कुछ वहां पर हुआ, हमारी बदकिस्मती ये हो गई है कि हम हर ऐसी चीज का नोटिस ले लेते हैं जैसे खाट उठा के ले जा रहे थे, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए इस देश के किसानों के लिए, जो जो करोड़ों किसानों की आज दुविधा है, जिस तरह उन्होंने सरमाएदारों के ऊपर कहा कि 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे माफ़ कर दिए गए, और किसानों की हालत यह है कि ना तो उनको MSP मिल रहा है और जितना पैसा वो खेत में लगाता है उससे कम, कहीं कम पैसा उसको आमदनी होती है। दूसरा, चर्चा जो अभी आप अन्ना हजारे जी पे कर रही थी, ये बिल्कुल वही हो रहा है जो जयप्रकाश नारायण जी का मोमेंट, अगर याद हो सबको, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो हाल जो है। और आज अन्ना हजारे जी की जो निराशा है वो जयप्रकाश नारायण जी के दिनों की आप याद करें कि किस तरीके से वो बेचारे अकेले अपना डायलिसिस कराने जाते थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सरकार बनवाई थी। और आज जो जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपको आलोचना करने का पूरा हक है। अरविंद केजरीवाल को लेकर आज पूरे दिन देश में आलोचनाओं का सिलसिला चला और इसीलिए रोम से वो यहाँ पहुंचे, लेकिन उससे पहले ट्विटर पे वहां पर जिस तरह से पंजाब समुदाय के, पंजाब राज्य के लोग वहां पर जो एकजुट थे, उनके कार्यक्रम में भी उन्होंने साफ किया कि वो पंजाब में जाकर किस तरह लोगों के साथ न्याय करने वाले हैं। लेकिन सवाल तो मैंने आपसे पूछा था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट तो साफ दिख गया, उसका जवाब आपके पास नहीं है। बहरहाल योगेंद्र यादव साहब, मैं आपके पास आती हूँ, मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल का भी विफल हुआ है और यही वजह है कि चिंता उन्हें खुद इतनी साल रही है कि डैमेज कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। क्या खुद के हाथ में लेकर एक बार फिर जो बात बार बार आ रही थी कि पंजाब की लड़ाई के बाद, पंजाब के चुनावी समर के बाद जब मुख्यमंत्री की बात आएगी, इतनी सिद्धू को लेकर बातें हुई, लेकिन तब हर बार कहा गया
कि सिद्धू को मुख्यमंत्री की कुर्सी या फिर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव खुद वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसी खुफिया चीज़ें मुझे तो पता होती नहीं हैं और मैं अपना बहुत समय उनके दरबार में क्या कुछ होता है इसके बारे में जानने में नहीं लगाता। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी कि मुझे याद है कि 2 साल आज इन सब को अन्ना के प्रति कितनी श्रद्धा उपज आई है, अन्ना के साथ ये हो रहा है, अन्ना को कैसा दुख हो रहा है। आज से 2 साल पहले यही लोग अन्ना की खिल्ली उड़ाने में और उनके बारे में क्या क्या अपशब्द कहने में सबसे आगे हुआ करते थे। आज जब कांग्रेस और बीजेपी नैतिकता की बातें करती हैं, आपने कांग्रेस से कड़े सवाल पूछे, आम आदमी से पूछे, बीजेपी से मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम में आप बीजेपी से भी 2 कड़े सवाल पूछेंगी, लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी नैतिकता की बातें करने लगती हैं तब मुझे दुख होता है, रोना आता है। इस आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि इसने खुद कुछ गलत काम कर दिए, सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि ऐसा किया जिस पे अन्ना को कुछ बोलना पड़ा, सबसे बड़ा पाप इस आम आदमी पार्टी का ये है कि इसने कांग्रेस और बीजेपी को नैतिकता बोलने का बहाना दे दिया, जिनके पास कोई बहाना नहीं था इस देश में, सारे देश के सामने जिनका पर्दाफाश हो चुका था उनको कर दिया। और इससे अगर उबरना है, अगर इस आंदोलन की उस मर्यादा को, उस ज्वाला को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि कुछ लोग सामने आएं, दोबारा खड़े हों और ये साबित करें कि राजनीति और सच्चाई जोड़ी जा सकती है, ये कोई असंभव स्वप्न नहीं है। आज ये सपना टूटने पे बहुत लोग तालियां बजा रहे हैं, बड़े लोगों को मजा आ रहा है कि वो चलो कुछ लोग क्या अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ लोग सामने कौन आएंगे जो इस बात की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको रखेंगे आकर। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस लोग में, इस देश में उसकी कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी में भी आज भी हजारों नहीं तो सैकड़ों ऐसे ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो वहां फंसे हुए हैं। आपने कर्नल देवेंद्र सिंह को देखा कितना हिम्मत से सहरावत साहब बाहर आए बोले, हालांकि वो तो शुरू से बहुत हिम्मत वाले आदमी रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के अंदर हजारों लोग हैं और इस पार्टी के बाहर लाखों लोग हैं इस देश में आज भी, जो संकल्प लेते हैं कि दुनिया में कुछ बदलाव किया जा सकता है, जो इस सपने के डूबने पे ताली नहीं बजा रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का डूबना नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के साथी तो मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन मेरे मन में लड्डू नहीं फूट रहे, मेरा मन रो रहा है, क्योंकि इसका मतलब है हजारों लाखों लोगों का सपना टूटता है इस चीज से, उस सपने को बचाना। लेकिन उस सपने टूटने और लाचारगी या फिर रोने से, माफ कीजिएगा योगेंद्र यादव साहब, आप जैसे सशक्त लोग, आप जैसे सक्षम लोग अगर रोकर अपनी बात को अगर कहीं लाचारगी की दिशा में नजर आएगी तो वो जो लोग जिनकी आप इशारा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के भीतर जो बैठे हुए हैं उनके पास ताकत कहां से आएगी? कौन उन्हें कहेगा कि वो सच को बोले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वहां पर लगभग साफ है कि बोलने वाले की जबान बंद कर दी जाती है। हम लाचारगी बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, मैं लाचारगी की बात नहीं कर रहा हूं, अंतिम बात कर दूं फिर आप आराम से कहिएगा सर अपनी बात। ये लाचार, एक मिनट सर मुझे जाना है, आप मुझे मेरी अंतिम वाक्य सुनने दीजिए कृपया करके। मैं लाचारगी की बात कतई नहीं कह रहा हूं, मैं एक संकल्प की बात कह रहा हूं और वो संकल्प लेने में हम स्वराज अभियान के लोग सबसे आगे रहेंगे। मैं केवल स्वराज अभियान की बात नहीं करना चाहता, इस देश के तमाम जन आंदोलन हैं, इस देश के तमाम लोग हैं, संगठन हैं जिन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी बनने से पहले भी लड़ाई की थी, जो आज भी लड़ रहे हैं, वो सब लोग सामने आएंगे और हो सकता है आम आदमी पार्टी के भी ईमानदार कुछ लोग उसके साथ में आए और इस देश में एक नया विकल्प स्थापित करके दिखाएंगे। यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव साहब, आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी सजग हो जाएगी, आपने साफ कर दिया है, स्वराज अभियान अब आम आदमी पार्टी के लोगों को खुला को अगर कहें निमंत्रण है यहाँ पर और साफ स्पष्ट आकर लोगों को कहना होगा। लेकिन एक बात जो योगेंद्र यादव ने की, आशीष सूद साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ,
अन्ना हजारे जो सवाल उठा रहे हैं, जो निराशा व्यक्त कर रहे हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं है, उससे पहले वो आपसे, आम आदमी पार्टी से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए वो बता चुके हैं। ऐसे में आपको भी जो योगेंद्र यादव से आपको तकलीफ दुख हो रहा है, वो आपको भी हो रहा है? नहीं, वो दुख तकलीफ नहीं है जी, खुशी उनको हो रही है। योगेंद्र जी सुन के जाते, लड्डू तो उनके मन में भी फूट रहे हैं, क्योंकि इन नगीनों को चुनने में अरविंद केजरीवाल के साथ उनका भी योगदान था। आज वो खुशी मना रहे होंगे, जिस पार्टी में रहने के लिए वो ललायत थे, धक्के मार के पंडाल से बाहर निकाले जाने के बाद वहां धरना देकर बैठे थे, उस समय उनको इस नैतिकता और रोने का मन क्यों नहीं किया था? उस समय तो वो इसी पार्टी में रहना चाह रहे थे जो आज है, जिसको बनाने के संस्थापक वो थे। जो प्रत्याशी आज आए हैं, उनको चुनने में उनका योगदान था। इसलिए बड़ी बड़ी बात करना, हर चीज पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ा देना और बातचीत को बीच में छोड़ देना, योगेंद्र जी का स्वभाव हो चुका है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इनके पास अल्टरनेटिव क्या है? ये भूल गए कि 1977 में तत्कालीन जनसंघ के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेरी विचारधारा के लोग सबसे ज्यादा जेलों में गए थे राजनीतिक परिवर्तन के लिए। योगेंद्र यादव जी उस समय जेल में नहीं गए थे। अरे आशीष सूद साहब, इतिहास के सहारे वर्तमान को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे बढ़ाया जा सकता है। बात ये हो रही है कि आज देश में चारों तरफ जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर सामने आ रही है, आपके पास आप बताइए कि आपके पास कितना बड़ा रणनीति है, कितनी बड़ी योजना है? आम आदमी पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन आपकी क्या उस तरह की तैयारी है? आप क्या उस तरह का रोड मैप दे पा रहे हैं? आप क्या उस तरह के हीरो सामने ला पा रहे हैं जिस आम आदमी पार्टी पे आज सवाल उठ रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए मीना जी, आप पहले चर्चा को पूरी होने दीजिए, बात को पूरा समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव ने अन्ना हजारे को नहीं बनाया, उनके लिए देश के लाखों लोगों का तप है, रोना उन देश के लोगों के लिए है जिन्होंने इमरजेंसी और आज की दुर्घटना को देखा है। और राजनीति में तो किसी और के नुकसान का फायदा होता ही है, कि केवल भाजपा को क्यों, सभी दलों को होता है, इसमें क्या बड़ी बात है जी? अगर लेकिन अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमें आज चर्चा आज वर्तमान पे करनी है। बीजेपी ने बहुत सैक्रिफाइस किया, ये पूरे देश ने आपको प्रतिफल भी दे दिया। बहरहाल मनोज मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज जो स्थिति आम आदमी पार्टी की हो चुकी है, उसका क्या आने वाले दिनों में डैमेज कंट्रोल करने में अरविंद केजरीवाल सफल हो पाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी का ये किला पंजाब में अब बनने वाला नहीं है? मेरा मानना है कि दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग हैं। असल में पंजाब की जो परिस्थिति बन गई है, उसमें आम आदमी पार्टी स्वाभाविक रूप से वहां अपनी पैर जमा रही है, और अभी तत्काल जो ये डैमेज उनका जो हुआ है, उसका बहुत ज्यादा लाभ, जैसे अभी आशीष सूद जी और योगेंद्र यादव जी आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे थे, मेरा खुद का ये मानना है कि अगर भाजपा कांग्रेस सफल होते, अगर ढंग से राजनीति करते, तो आम आदमी पार्टी पैदा ही नहीं होती। यही स्थिति पंजाब में है। वहां जो दोनों ग्रुप हैं, कांग्रेस और अकाली दल भाजपा का, उनसे लोग उबे हुए, इसलिए उन्हें तीसरा विकल्प चाहिए। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को जो घटनाएं अभी घट रही हैं, या दिल्ली में जो कांड, सीडी कांड हुआ, या और उसके बाद जो अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया इन घटनाओं पर हुई है, इससे भारी नुकसान हुआ है। और मेरा मानना यह है कि आने वाले काफी समय अरविंद केजरीवाल को लोगों को ये समझाने में लगेगा कि हमारी पार्टी वैसी नहीं है। लेकिन संयोग से जिस सोशल मीडिया और जो आधुनिक तकनीकी के बूते अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 67 सीटें जीतने में कामयाब हुए, वही सब चीजें अब उनको नुकसान पहुंचा रही है जो सामने दिख रहा है। अगर सोशल मीडिया मजबूत न होता, माफ कीजिए मिश्रा साहब, तो आपका तकनीकी परेशानी की वजह से हम ज्यादा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दर्शकों के सामने नहीं रख पाए, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण बात आपने की है, अरविंद केजरीवाल को वक्त लगेगा
जनता को ये समझाने में कि गलतियां जो हुई हैं उसकी वजह क्या है। तो साथ ही अरविंद केजरीवाल को ये भी समझना होगा कि जो गलतियां उन्होंने की है उसका हर्जाना भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, पार्टी के वो लोग जो ईमानदार थे, पार्टी के वो लोग जो वाकई काम करना चाहते थे, जिसका जिक्र यहां पर योगेंद्र यादव ने किया, भले ही वो आज ना हो पार्टी में, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ करने की इच्छा है, उस आंदोलन को जगाए रखने की इच्छा है, लेकिन उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी पार्टी में आने वाले लोगों को लेकर भी नहीं रखी अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए आज ऐसे हालात हुए कि आज अन्ना ने जब कहा तो पूरे देश ने उसको सुना, और इस तरह से सुना कि एक आंदोलन के खत्म होने का क्या ये वक्त आ गया है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा।